Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. Now we are moving to another topic, that is part 5th of Indian Constitution Law. The Union Executive, the President, Vice President and Council of Ministers. So today we are all going to talk about our executive system, the one tier of, you know, democracy, that is executive. So it is under part 5th. But what your article 52 says, let's directly come to the article 52 says that there shall be president for India, shall, right? And president for India, right? Hona hi chahiye, shall means it's compulsory. There cannot be any situation in which the seat for the president remain vacant. Okay, no situation in which seat for president remain vacant. That's what this shall implies. जब प्रेसिडेंट का टर्म खत्म होने वाला होता है ना बच्चे, इसी सिचुएशन को ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट जो हमारा वर्किंग प्रेसिडेंट हो, जब उसका टाइम पीरियड खत्म होगा तो वो रिटायर हो जाएगा और नेक्स्ट को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, उस टाइम को भी कवर अप करने के लिए इससे पहले ही नेक्स्ट इलेक्शन हो जाना चाहिए, हम उसके टेन्योर में ही नेक्स्ट इलेक्शन करवा देते हैं. प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, रिमेंबर दैट. प्रेसिडेंट इज ऑलवेज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. कहते हैं ना, आपने सुना हो जब द यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं या उनकी वाइफ, दैट्स फर्स्ट लेडी, है ना? तो दैट मीन्स दे आर द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. सेम वे प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. नाउ योर आर्टिकल 53 टॉक्स अबाउट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ इंडिया आर वेस्टेड विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर बच्चे जैसे हमारी कार्यपालिका होती है, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जितनी भी हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस में वेस्ट की हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती हैं वो. ऑल राइट. अब आर्टिकल 54 जो बच्चे बात करता है, दैट कौन कौन वोट कर सकता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राइट? ये अब हम डिस्कस करेंगे. 54-55 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर एंड मैनर ऑफ इलेक्शन. You know, in it we will going to discuss proportional representation, single transferable vote. Article 56 talks about term of president, right? 57 is when we go for re-election, and 58 talks about qualification of president, right? So in this video we are all going to talk about president, its appointment, retirement, re-election, qualification and all this. So first of all, when head of the state, that is, as you know, head of the state कौन है हमारे? President. इनको head of the state भी बोला जाता है. पता लग गया, president, first citizen भी यही होते हैं, head of the state भी यही होते हैं. President was elected through elections and not through heredity India में. That's why we are republic nation. Okay? We contest election for this and there is no heredity system. Right? That the state is republic state and India is the republic country. Everybody knows that. As we read, all executive powers are vested with president. So, but the president will act in accordance with the advice of council minister. Although power इन्हीं के पास होती है, but इनको act किसके according करना पड़ता है? On advice of council of ministers. Council of ministers में कौन आते हैं हमारे? PM and his सर्टेन कैबिनेट मेंबर्स. ठीक है, तो काउंसिल मिनिस्टर्स में समझ में आ गया था कि काउंसिल मिनिस्टर्स की एडवाइस पे प्रेसिडेंट को काम करना पड़ता है. और काउंसिल मिनिस्टर का हेड कौन होता है? आई टोल्ड यू राइट नाउ, पीएम. समझ में आ गया? तो पीएम उसका हेड होता है. इसका मतलब डायरेक्टली क्या हुआ कि प्रेसिडेंट की पावर तो जस्ट फॉर द नेम सेक है बच्चे, नाम मात्र पावर्स हैं. दैट्स वाई वी नो, हम इनको प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं? नॉमिनल हेड भी बोलते हैं. जस्ट नॉमिनल पावर होती है इनके पास. एक्चुअल में जो पावर होती है वो पीएम के पास होती है. समझ में आया? तो आपको डिफरेंट नेम्स पता लग गए. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हु इज फर्स्ट सिटीजन,
प्रेसिडेंट, हु इज हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, हु इज नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, प्रेसिडेंट. ऑल राइट, नाउ इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ स्टेट, राइट, मतलब प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म भी बोल देते हैं. पार्लियामेंट का टाइप क्या होगा, जैसे यहां पर पीएम इलेक्शन भी होता है, प्रेसिडेंट के बाद हेड कौन होते हैं, पीएम. इन इंडिया इट मींस डिसीजंस आर टेकन बाय पीएम विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. डिसीजंस ये लेंगे बट उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, राइट. दे आर एग्जीक्यूटेड अंडर द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. नाउ इन इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन वोट. अभी मैंने आपको बताया था हु कैन वोट, हमने जस्ट अभी रीड किया था दैट अंडर आर्टिकल वी आर गोइंग टू डिस्कस 54 में हु कैन वोट फॉर द इलेक्शन दिस प्रेसिडेंट पोस्ट. सो इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स और इलेक्टेड मेंबर्स किसके बचे, पार्लियामेंट के, कैन वोट. अब आपसे कोई पूछे इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते हैं, तो जो हम इलेक्शंस में करवाते हैं एज यू ऑल नो एमएलएज एमपीज इलेक्शन होते हैं ना बच्चे स्टेट वाइज, तो वही लोग हमारे द्वारा चुन के आगे पार्लियामेंट में जाते हैं एंड दे हेल्प इन चूजिंग द प्रेसिडेंट, राइट. सो लेट मी टेल यू वंस अगेन इलेक्टेड मेंबर क्या कैसे होते हैं. देखिए ये होती है हमारी राज्यसभा अपर हाउस एंड दिस इज लोअर हाउस और यू कैन से लोकसभा, राइट. तो अब राज्यसभा में क्या होता है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स यहां पर, टोटल कितने हैं यहां पर मेंबर्स हमारे राज्यसभा में, 245 और यहां पर टोटल कितने हैं, 545. क्या ये सब मिलके वोट करते हैं, नो नो, आंसर इज नो. आपसे पूछा जाए पीटी में तो आंसर इज नो. हाउ, बिकॉज आउट ऑफ दीज 245 12 आर नॉमिनेटेड. नॉमिनेटेड मतलब कई फील्ड से इनको नॉमिनेट कर लिया जाता है, जैसे एक्सपर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कोई इंडस्ट्री बैकग्राउंड से, कोई बैंकिंग बैकग्राउंड से, कोई कमर्शियल बैकग्राउंड से, तो दीज आर नॉमिनेटेड. रेस्ट जो बच गए 245 माइनस 12 गिव्स यू 233. 233 आर द इलेक्टेड वंस, इलेक्टेड मेंबर्स, समझ में आया. एंड लोकसभा में कितने होते हैं, 545, बट ये भी सारे इलेक्टेड नहीं होते हैं, इनमें भी नॉमिनेटेड होते हैं. नॉमिनेटेड कौन होते हैं, टू आर द नॉमिनेटेड, टू आर दोज एंग्लो इंडियंस, एंग्लो कम्युनिटी जो होती है. सो अब यहां पे रिमेनिंग कितना रह गया, 543. ध्यान से समझिएगा बच्चे, ठीक है, 543. सो 233 हेयर, 543 हेयर, बोथ दी हाउसेज के मिला के ये हमारे क्या हैं, इलेक्टेड मेंबर्स. सो हमारे टोटल इलेक्टेड मेंबर्स जो 543 इट इज 676 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं इन द कॉन्टेस्ट ऑफ पार्लियामेंट. समझ में आया बच्चे. सो रियल पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स which is headed by PM of India. So only nominal power of the union of executive are vested in the hands of president. अब question जो उठता है बच्चे वो ये उठता है कि president का जो election होता है वो direct क्यों नहीं होता, why not direct election? Direct मतलब कि why can't public choose the president? जब हम जिन members को choose करते हैं फिर वो जाके जब president को choose करते हैं, so why this indirect method? Why not the direct method of choosing the president? Why not so? So your answer is 1946 से 1949 के बीच का जो time period था बच्चे, इसके बीच में क्या हुआ था, जो India की constitutional committee ने आपसी सहमति से निर्णय लिया कि सभी का वोट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर था, कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, राइट. उन्होंने क्या डिसीजन लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ मींस देयर शुड बी हाउसेज, लोकसभा एंड द सॉरी लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है. अगर डायरेक्ट इलेक्शन होते तो स्टेट प्रेसिडेंशियल फॉर्म में आ जाएगी, पार्लियामेंट्री से डायरेक्ट किस में चली जाएगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाइक इन यूएस, यूएस में देखा ना आपने, वहां पर पब्लिक कॉन्टेस्ट करती है, तो दैट इज द प्रेसिडेंशियल
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिका, वे ट्रम्प एंड बाइडेन के बीच में जैसे हुआ था. सो अब तो दोनों पीएम एंड प्रेसिडेंट में क्या है, कंपटीशन होगा. पीएम के लिए भी कंपटीशन होगा, फिर प्रेसिडेंट के लिए भी कंपटीशन होगा, तो ऐसा चलता रहेगा. और ये जरूरी था कि एक का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो जाए, वरना दोनों ही कॉन्टेस्ट करेंगे सत्ता के लिए, एक लड़ाई चल जाएगी. समझ में आया बच्चे? तो अगर डायरेक्ट इलेक्शन से ही प्रेसिडेंट चुनते तो वो क्यों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात मानेगा? अगर वो डायरेक्ट ही पब्लिक के थ्रू चुना गया है, देन देर इज नो नीड कि वो जाके पीएम की बात माने या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुने. ही कैन रिफ्यूज देयर ओपिनियन टू. सो टू अवॉइड दिस कंफ्लिक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर देयर. प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली चुना जाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली चुने जाएंगे, तो क्या होगा, एक आपसी सहमति बन जाएगी. राइट? फिर बच्चे क्या था, 1960 में एक क्वेश्चन फिर से उठा. 1960 में, अब उसमें क्या था, प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की हर बात मानना जरूरी है? इज इट सो? कांट ही एक्सप्रेस हिज डिसअपॉइंटमेंट? इज एनीथिंग मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग दिस? क्वेश्चन ये था कि क्यों वो हर बात उनकी सुने, वाई दैट सो. देखिए आंसर क्या था ऑफ अबव क्वेश्चन, वॉज गिवन इन 1976 थ्रू 42nd अमेंडमेंट, दैट इज 42nd अमेंडमेंट. तो इसमें इस क्वेश्चन का आया, ड्यूरिंग द रूल ऑफ इंदिरा गांधी, जो इन्होंने 20 ईयर्स रूल किया 1960 टू 1980 के बीच, काफी इंपॉर्टेंट केसेस आए. आर्टिकल 74, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो आर्टिकल 74 है, कंप्लीटली स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट को वो हर बात माननी पड़ेगी जो पीएम, मतलब हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा. ये बात बोली गई, ठीक है. वट एवर द पीएम हेड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर सेज, प्रेसिडेंट हैज टू साइन ऑन इट. राइट? 1977 में क्या था बच्चे, जनता पार्टी की सरकार आई और इसी बात पर जीती थी कि 1976 में जो भी ये अमेंडमेंट हुई है उसे पूरी तरह से हटा देंगे हम. राइट? मतलब प्रेसिडेंट को सारी बात मानने की जरूरत नहीं है. ओके, तो क्या ये 74 का को सेम रखेंगी? राइट? क्वेश्चन था क्या ये जो 74 आर्टिकल था इसको सेम, तो इन्होंने इसे सेम ही रखा. दैट इज प्रेसिडेंट नाम मात्र का ही हेड होगा, ऑल पावर्स विल बी द इन हैंड्स ऑफ पीएम ही रहेंगी. बट एक चेंज जो किया जनता पार्टी ने कि इसमें कि प्रेसिडेंट बाउंड तो है साइन करने के लिए, लेकिन वे किसी भी लेजिस्लेशन या डॉक्यूमेंट को एक बार पुनर्विचार और यू कैन से रिव्यू, ये पहले नहीं था, ये अब आया कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिव्यू के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास वापस भेज सकता है. क्या होता है बच्चे, ये हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. राइट? ये हमारे प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को इनकी हर बात माननी जरूर. इनका हेड कौन है हमारा, पीएम. तो जो ये बात रखेंगे वो प्रेसिडेंट को माननी थी और उनके उस डॉक्यूमेंट पे हर एक पे साइन करने थे. दैट वाज अर्लियर. बट आफ्टर दैट व्हाट दिस गवर्नमेंट थॉट, जनता दल, कि ऐसा करना जरूरी नहीं है. देखो ये तो प्रोसीजर होगा ही होगा कि इनकी बात माननी है, साइन करना है. बट इफ प्रेसिडेंट को ऐसा लगेगा कि जो उन्होंने प्रपोजल दिया है इट नीड्स रिव्यू वंस, सो वो रिव्यू करने के लिए इनको वापस से भेज सकते हैं. राइट? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई चेंज नहीं करते तो प्रेसिडेंट को फिर साइन करना ही पड़ेगा. राइट? तो जस्ट जो एक पावर आई इट वॉज ऑल्सो ऑफ नेमसेक, दैट प्रेसिडेंट कैन सेंड बैक दैट डॉक्यूमेंट फॉर रिव्यू वंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. नाउ इट इज अप टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पी एम ऑन देयर चॉइस वेदर दे वॉन्ट टू मेक सच चेंज और नॉट. इफ दे डोंट वॉन्ट टू मेक एनी चेंजेस दे विल सेंड बैक इट टू द प्रेजिडेंट एंड देन प्रेजिडेंट विल हैव नो चॉइस, ही हैज टू साइन द डॉक्यूमेंट. ऑल राइट बच्चे? ठीक है, अब हमारा आर्टिकल 53 जो था, द 42nd अमेंडमेंट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि उनको उनकी एडवाइस माननी ही पड़ेगी. ओके बच्चे, अब आर्टिकल 54 में क्या था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोटर्स होंगे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इसमें कौन से होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये सबको पता है. राइट? डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होता है बाय द सिटीजन, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव चुने गए हैं वो उनके थ्रू कॉन्टेस्ट होकर आते हैं. और लोगों के थ्रू रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं, लाइक एमपीज प्लस एमएलएज.
होता है ना बच्चे, इनका रोल यही होता है कि लोगों द्वारा चुने गए हैं एंड देन ये ऐसी ही प्रेसिडेंट को चुने जो लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सकें. ऑल द एमपीज एंड एमएलएज ऑफ इंडिया फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज. क्या बनाते हैं ये? इलेक्टोरल कॉलेज. ध्यान से समझते जाइएगा बच्चे. द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ओनली कैन बिकम अ वोटर ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. इलेक्टोरल कॉलेज में चार ग्रुप्स आते हैं. देखिए बच्चे, मैं आपको डिवीजन करके दिखाती हूँ. जो ये हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज मीन्स द मेंबर्स विच आर गोइंग टू चूज द प्रेजिडेंट. सो इट इज डिवाइडेड इन टू फोर डिविजन्स. ओके, एंड इनमें क्या है, टोटल मेंबर कितने होंगे इसके? 4896 होंगे इन टोटल सारे, जो कि 10 लाख से भी ज्यादा वोट देते हैं. ये समझे ना, मेंबर्स इतने बट इनकी वोट, वोटिंग सिस्टम भी मैं बताऊंगी कैसे वो काउंट किया जाता है. तो दिस हाउ इट इज. अब क्या है, फर्स्ट डिवीजन में कौन आता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राइट? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ये हमने कर लिए थे. कितने थे? 543. वाई जो दो थे दैट वर नॉट इलेक्टेड, वो इलेक्टेड नहीं होते, दे वर जस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट? वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. देन कम्स योर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के बच्चे हमने कितने किए हैं? 233, राइट? क्योंकि 12 इसमें नॉमिनेटेड होते हैं, राइट? ये इन देन कम्स योर फोर्थ, थर्ड डिविजन इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. राइट, लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन आए हमारे? एमएलएज. ओके, ये इन टोटल कितने होंगे बच्चे? 4120. अगर सीट्स में कोई चेंज नहीं आता है तो ये इनमें चेंज हो सकते हैं, राइट? तो ये 4120. द फोर्थ वन इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी ओनली. यहां पर सिर्फ हम दिल्ली और पौंडीचेरी की ही यूटी को इंक्लूड करते हैं, बाकी यूटीज को यू नहीं करते हैं. तो ये आप सर्च कर सकते हैं, दिस इज योर होमवर्क कि वाई वी ओनली यूज दीज. दिस इज योर होमवर्क, ठीक है? तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, राइट बच्चे? तो ये होता है. अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं बल्कि स्टेट लेजिस्लेचर भी पार्टिसिपेट करता है. समझ में आया आपको स्टेट लेजिस्लेचर्स? यहां से. सो दीज आर द थिंग्स. अब क्वेश्चन अगर आपको रिवर्स करके आ जाए वो भी ध्यान में रखना है. हु कैन नॉट वोट, राइट? हु कैन नॉट वोट, अगर इसका आंसर आ जाए तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है. कौन होंगे बच्चे? इजीली आंसर देंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा. ये तो हमने हटाई दिए हैं तो ये तो पक्का है, नॉमिनेटेड मेंबर्स बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा के. राज्यसभा के 12 थे, लोकसभा के 2 थे, तो ये तो करते ही नहीं है. दूसरा, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं. जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं बच्चे, उनके मेंबर नहीं करते हैं. लेजिस्लेटिव काउंसिल कैसे होती हैं? देखिए, जो हमारी भारत में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं इन इंडिया में बच्चे, जहां पर लाइक बाइकैमरल हमारा पार्लियामेंट है, राइट? टू हाउसेज ही हैं स्टेट में भी, जो बिग स्टेट्स हैं लाइक एमपी हो गई, राइट, महाराष्ट्र हो गई. तो वहां पर इसके साथ हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, बट उसके मेंबर्स नहीं करते हैं. एंड द थर्ड वन में कौन से नहीं करते हैं वोट? यहाँ पे सिर्फ हमने दिल्ली और पौंडीचेरी लिया था, सो रेस्ट यूनियन टेरिटरीज जो बच गई, रेस्ट यूटीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी, वो मेंबर्स भी नहीं करते हैं. सो नाउ आई थिंक यू आर क्लियर कि हम कब किसको कैसे वोट देते हैं, कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करता है, कौन नहीं करता. ठीक है बच्चे, अच्छे से समझ में आया? फ्लो चार्ट अच्छे से समझिएगा. अब क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, आपका एक आर्टिकल 71 में बात कही गई है, बहुत बढ़िया. डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. अगर इनके ही इलेक्शंस में, देखिए हाँ, इंडिया इज द कंट्री जहां पे हर इलेक्शंस में कोई ना कोई गड़बड़ी आ जाती है. सो सेम थिंग इज हेयर, डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में आ गई तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कौन फाइल करेगा?
देखिए डिसीजन तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में लेने का, बट वहां पे पिटीशन कौन फाइल करेगा, हु विल डू। इसलिए यहां पर क्या है, इसके लिए वो हर व्यक्ति फाइल कर सकता है जो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल था। मीन्स दीज ऑल मेंबर्स कैन फाइल द पिटीशन, राइट, बिकॉज दे वर द वोटर्स। तो आप सिंपली कर सकते हो, दोज हु आर वोटर्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट, दे कैन डिमांड द एनी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग दिस इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। समझ में आया बच्चे अभी तक? सो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, जो ये हमारा चैप्टर है अभी पार्ट फिफ्थ का, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट एंड एवरी दीज, हम इसको वाइस प्रेजिडेंट, हम इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं, राइट। बहुत बड़ा हो जाएगा आज के लिए, तो आज के लिए आप बस इतना समझिए एक्चुअल प्रेजिडेंट कैसे होता है, क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, राइट, हु कैन नॉट इलेक्ट, दिस थिंग। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ वोटिंग, हम डिस्कस करेंगे बच्चे, ठीक है। आपका आर्टिकल 123 भी इससे रिलेटेड है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। टिल नाउ इट्स ओवर, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।